के दौरान किसी ने आपको थोड़ा स्ट्रांगली कोई क्वेश्चन पुट कर लिया, आपका भड़क के आंसर आएगा, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी का मर्डर हो गया। कभी एक इम्पल्सिव आंसर के दौरान एक रिलेशनशिप का मर्डर शायद ज़रूर हो जाता है, शायद मेरी अपनी एक अच्छाई का मर्डर ज़रूर हो जाता है। तो शायद छोटे छोटे मर्डर्स जो दिखते नहीं हैं वो ज़रूर होते हैं, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, कुछ चीज़ें हिडन होती हैं। हरेक का नशा, हरेक की डिसफंक्शन, हरेक की मेंटल इलनेस, हरेक की फिजिकल इलनेस शायद दिखेगी नहीं। बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं, हम सबके घरों में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हम सबके माइंड्स में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एक टाइम आता है जो ब्रेकडाउन का आता है, जो हम सबके लिए डिफरेंट है। शायद मेरा ब्रेकडाउन मेरे रोने से दिखे, शायद किसी और का ब्रेकडाउन तब दिखे जब वो सिर्फ शायद हमें हेल्प भी ना कर पाए हम उसे। आई थिंक ये ब्रेकडाउन अच्छा है जो हमारे पास सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि हम संभाल पा रहे हैं। ये वो ब्रेकडाउन है जिसमें हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो ब्रेकडाउन जिसमें हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जिसका हमें पता ही नहीं चला, वो ज़्यादा सीरियस ब्रेकडाउन है। दैट इज़ डेथ इन साइलेंस, दैट इज़ मर्डर इन साइलेंस, दैट इज़ सुसाइड इन साइलेंस। एंड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में एक थ्योरी है जो सुसाइड को एक्सप्लेन करती है। हम ये नहीं कहते कि सुसाइड क्राइम है, क्योंकि सुसाइड को लीगलाइज नहीं कर सकते, फिर शायद हमारा डर है हमारे लीगल सिस्टम का कि सुसाइड्स बढ़ जाएंगे। लेकिन इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इट इज सेड दैट सुसाइड इज नॉट अ क्राइम, रादर अ क्राई फॉर हेल्प। एक इंसान तब सुसाइड करता है, वो खुश होके नहीं करता, कोई नहीं खुश होके करता, वो इसलिए करता है कि उसे लगता है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं कुछ नहीं बचा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और जब वो सिचुएशन आती है तो लगता है जब कुछ हो ही नहीं सकता, जब मैं किसी काम का ही नहीं हूं, जब मुझसे कुछ सुधरेगा ही नहीं, जब मेरी जिंदगी इतनी खराब है, व्हाई नॉट एंड इट। एक्चुअली स्पीकिंग दैट इज अ क्राई फॉर हेल्प। अ पर्सन इज क्राइंग फ्रॉम विद इन, यू कांट सी देयर टीयर्स। डिफरेंस सिर्फ इतना है आप उनके आंसू नहीं देख पाते, क्योंकि वो एक स्टिफ अपर लिप मेंटेन करते हैं, वो दिखाते हैं हम बहुत स्ट्रांग हैं। शायद रो देना अच्छा है, रो के चीजें बाहर तो आएंगी। शायद शेयर करना बहुत अच्छा है, हम हैं सब यहाँ पे। क्या पता जो सिचुएशन आपको लग रहा था आप अकेले बाहर नहीं आ पा रहे थे, दो लोग मिलके आ जाते। मैं अपने हर थेरेपी सेशन में एक चीज हमेशा बोलती हूँ, अकेले परेशान मत होना। कभी भी लगे मुश्किल पड़ रही है, रात को दिन को जब मर्जी आना, मिलके परेशान होंगे, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। थैंक यू।